परिवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम परिवर्तन के दो प्रकार देख सकते हैं। पहला है दृढ़ परिवर्तन या रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी क्रियाएं जिनमें मूल आकृति परिवर्तित आकृति के सर्वांगसम होती है, इन परिवर्तनों को दृढ़ परिवर्तन या रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। चतुर्भुज ABCD को क्रमशः चित्र 3-1 में खिसकाया गया है, चित्र 3-2 में पलटाया गया है और फिर चित्र 3-3 में घुमाया है। क्या यह सभी एक ही चतुर्भुज के चित्र हैं? यहाँ एक ही आकृति पर क्रमशः 3 अलग अलग क्रियाएं की गई हैं। हम देख सकते हैं कि परिवर्तन के प्रत्येक क्रिया के बाद मूल आकृति की अपेक्षा परिवर्तित आकृति की स्थिति बदल जाती है। हम जानते हैं कि दृढ़ परिवर्तन में क्रियाओं के बाद आकृतियों की आकृति और आकार नहीं बदलते हैं। अब हम इन तीनों क्रियाओं को बारी बारी से विस्तार से देखते हैं। इनमें से पहला है स्थानांतरण या ट्रांसलेशन। चित्र 3-1 में हो रहे परिवर्तन को देखिए। चतुर्भुज ABCD को एक स्थान से 4 सेंटीमीटर क्षैतिज दिशा में खिसकाया है। क्या चतुर्भुज की सभी भुजाओं का माप स्थिर होगा? क्या चतुर्भुज के सभी कोणों का मान स्थिर होगा? हाँ। सर्वांगसम आकृतियों से जुड़े आधारों को याद कीजिए। दीप्ति ने कहा, हाँ, परिवर्तन एक में दोनों चतुर्भुज सर्वांगसम है, यानी संगत भुजाओं की माप और संगत कोणों की माप अपरिवर्तित रहेंगे। इसलिए AB बराबर A'B', BC बराबर B'C', CD बराबर C'D' और DA बराबर D'A'। साथ ही संगत कोण भी बराबर होंगे। कोण ABC बराबर कोण A'B'C', कोण BCD बराबर कोण B'C'D', कोण CDA बराबर कोण C'D'A' और अंत में कोण DAB बराबर कोण D'A'B'। चतुर्भुज की आकृति और आकार खिसकाने की क्रिया के बाद अपरिवर्तित है, इसलिए यह एक दृढ़ परिवर्तन है। ऐसी क्रिया जिसमें आकृति को एक स्थान से किसी निश्चित दूरी और निश्चित दिशा तय करके दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है को स्थानांतरण या ट्रांसलेशन कहते हैं। सोचें और थोड़ी चर्चा करें, क्या पलटाने और घुमाने पर भी चतुर्भुज की संगत भुजाएं और कोण बराबर होंगे? कारण सोचिए और चर्चा करके लिखिए। परावर्तन, रिफ्लेक्शन। चित्र 4 में हो रही क्रिया को देखते हैं। यदि रेखा L पर एक दर्पण खड़ा कर दें, तो चतुर्भुज ABCD का प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? क्या वह चतुर्भुज A'B'C'D' की तरह दिखेगा? रवि कहता है कि यदि मैं ABCD को रेखा L के आधार पर पलटाऊं, तो मुझे A'B'C'D' मिलता है। क्या आप रवि के तरीके से सहमत हैं? आप दूसरी आकृति बनाकर एक निश्चित रेखा के आधार पर पलटा कर देखें, कैसी आकृति मिलती है। यह क्रिया परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहलाती है और वह रेखा जिसके आधार पर परावर्तन करते हैं उसे परावर्तन की रेखा या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसमें किसी आकृति को एक निश्चित रेखा के सापेक्ष पलटा कर परिवर्तित आकृति मिलती है। यदि हम रेखा L से चतुर्भुज ABCD की दूरी x माने और चतुर्भुज A'B'C'D' की दूरी को y माने, तो क्या x बराबर y मिलेगा? हाँ, वास्तविक आकृति और परावर्तन के बाद मिली आकृति रेखा L से समान दूरी पर होगी। ध्यान दें कि यह परावर्तन का एक खास गुण है। चलिए इसी बात को एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ चित्र 5 में दिए गए वर्ग MNOP का परावर्तन करके
वर्ग एम डैश एन डैश ओ डैश पी डैश मिला। अब आप दोनों वर्गों के संगत शीर्षों को मिलाइए। संगत शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड पी पी डैश ओ ओ डैश और एन एन डैश रेखा एल को क्रमशः बिंदु ए बी और सी पर काटते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि पी ए बराबर पी डैश ए। साक्षी कहती है बिंदु ए की शीर्ष पी से जितनी दूरी होगी शीर्ष पी डैश बिंदु ए से उतनी ही दूरी पर मिलेगा, मतलब पी ए बराबर पी डैश ए। इसी तरह क्या ओ बी बराबर ओ डैश बी और एन सी बराबर एन डैश सी भी होगा। इस चर्चा से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रेखा एल से दोनों वर्गों की दूरी समान है।